आपका IBN न्यूज़ में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भारतीय किसान संघ मालवा प्रांत के कन्नौद खाते गांव में खेत सिंचाई पानी की समस्या को लेकर क्षेत्र के किसान पुराने पुलिस थाने के सामने पिछले 9 दिनों से लगातार जारी है। किसानों के धरने में प्रतिदिन नित नए तरीके से अपनी सिंचाई की समस्या को लेकर मांग कर रहे हैं। मंगलवार को अलग ही अंदाज में किसानों ने सरकार से अपनी मांग पूरी करने के लिए कृषि उपज मंडी से महिला एवं किसान एकत्रित होकर महिलाओं ने खाली मटकी लेकर पानी की मांग के नारे लगाते हुए विधायक पंडित आशीष शर्मा के घर पहुंचकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा और उनके निवास के सामने ही खाली मटकी रखकर महिलाओं ने विधायक शर्मा से पानी की मांग की। वहां से करते हुए नारे हुए महिलाएं खाली मटकी और किसान मेन बाजार के नारे लगाते हुए SDM कार्यालय पहुंचकर SDM अभिषेक सिंह को ज्ञापन सौंपकर प्रशासन से भी किसान एवं महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर मांग की गई। कन्नौज से संवाददाता मांगेलाल मालवीय की रिपोर्ट। महिलाएं आई खाली मटकी लेकर आपके कार्यालय में, किस मांग को लेकर आपको ज्ञापन दिया इन्होंने? आज भारतीय किसान संघ के कुछ लोग ज्ञापन देने आए थे। उनकी प्रमुख बिंदु ये था कि बात उनका मांग का कि नर्मदा नदी का जो जल है जो बागली और अलग अलग पाइपलाइन के थ्रू जा रहा है अलग अलग जिलों में, उनका कहना है कि कन्नौद और खातेगांव के कुछ गांव छूट गए हैं उसमें, उनको भी शामिल किया जाए। इस संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय के थ्रू पत्र, इनने पहले भी मेरे को ज्ञापन दिया था तो उसको हमने कलेक्टर महोदय के थ्रू पहुँचा दिया है ऊपर तक, और आगे का निर्णय शासन स्तर से ही होगा। भारतीय किसान संघ से महिलाओं ने जो खाली मटकी आपके यहाँ लेके आए हैं, इनकी आज 9वें दिन हो गए मांग के लेके, तो आपके द्वारा क्या इनसे मांग की गई और क्या प्रोसेस में चल रही है इनकी मांगे अभी तक? जो खाली कलश महिलाएं लाए थे हमने उनको भरा है, इस बात का आश्वासन है कि हम इन खेतों को भी सिंचाई सुविधा से वंचित नहीं रहने देंगे और किसान के खेत तक पानी पहुँचे। इसके लिए शिवराज जी की सरकार लगातार काम कर रही है। लगभग 46 लाख हेक्टेयर भूमि पर आज मध्यप्रदेश में सिंचाई हो रही है। कांग्रेस ने सिंचाई परियोजनाओं पर कुछ किया नहीं, लोगों को आशा है वही मांग की जाती है। हमने हंडिया बैराज, जो हमारी प्रस्तावित योजना है जिसके टेंडर हो चुके हैं, उसकी जल ग्रहण क्षमता बढ़वाने के लिए और सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए विभाग को आवेदन दे दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी और सांसद जी से भी टेलीफोनिक चर्चा हो चुकी है। कन्नौद तहसील और खातेगांव तहसील के 70 से अधिक गाँव जो सिंचाई सुविधा से वंचित है, उसमें से अधिकांश को इस योजना में कवर कर लिया जाएगा और शेष जो गांव बचेंगे उनके लिए नर्मदा जी के इमली घाट से तृतीय चरण लाकर 2025 का जो हमने लक्ष्य लिया है उस तक पूरे विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक खेत तक सिंचाई हेतु सुविधा जुटा दी। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN न्यूज के साथ। नमस्कार।